नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर तेजस लोखंडे और आप जहां देख रहे हैं कि आपके पीछे एक बड़ी सी महारंगोली की निर्मिति हुई है, यह औचित्य है स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिष्ठान के आयोजन से, जो हर साल हिंदू वर्ष स्वागत यात्रा की हम नियोजन करते हैं। उस यात्रा का मैं एक सौभाग्यदायक अध्यक्ष हूँ और ये जो निर्मिति है इस रंगावली की, ये जिन लोगों ने अभी तक इस यात्रा को ऊपर आने में, यात्रा को बड़ा करने में मदद किया है, उन सभी रसिक प्रेक्षक के लिए हम ये हमारी तरफ से हम आपको वंदन करके। डॉक्टर साहब, ये बताएं मुझे आप कि ये रंगोली कितने किलो की सामग्री लगी और उसमें क्या लगा और कितने घंटे लगे बनाने में? ये जो पीछे आप महारंगोली देख रहे हैं, इसमें कुल 200 किलो सफ़ेद रंगोली का इस्तेमाल हुआ है और रंगों का अगर मैं जिक्र करूँ तो 600 किलो उसमें हमने रंगों का इस्तेमाल किया है। और ये पूरी रंगोली बनाने में हम हुए जब 16 कलाकार हैं जिन्होंने ये 9 घंटों में पूरी रंगोली पूरी करी है। महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक विरासत है ये रंगोली और महाराष्ट्र के मनों में बसी है और हाथों से बाहर उतरती है मस्तिष्क में। तो ये रंगोली क्या दर्शाती है? जैसे उत्सव में, फेस्टिवल में कहीं ना कहीं हमारे घरों में छोटी मोटी रंगोलियाँ निकालते हैं क्योंकि वो शुद्धता का प्रतीक होती है, आध्यात्मिकता का प्रतीक होती है। लेकिन हिंदू पर्व की पूर्व संध्या पर, हिंदू पर्व की पूर्व संध्या, गुड़ी पर्व की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र एक ताकतवर रूप से हिंदू पर्व, गुड़ी पड़वा, ये जो सन है, ये सन हिंदू नववर्ष के तौर पे सब जगह इसको आप ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और नए साल के औचित्य पे जिस तरीके से मराठी संस्कृति है या हिंदू संस्कृति है, उसमें रंगोली ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ मानी गई है। जिस तरीके से गणेश भगवान को आप आराध्य गणेश की जैसे मान के हर पूजा में गणेश का अग्रस्थान है, उसी तरीके से आप पूजा विधियों में, पूजा सामग्री जो है उसमें रंगोली का सबसे अग्रस्थान है। तो उसी तरीके से ये अग्रस्थान माने जाने रंगोली को, जिसको एक बहुत उम्दा इतिहास, जिसको रामायण काल से, शिव काल से जिसका हमें उल्लेख मिलता है, उसी रंगोली को आज ये नए रूप में हम कलाकार बहुत उसमें प्रयोगशील रहकर, नए नए उसमें प्रयोग करके लोगों में अलग अलग चीज़ों में रंगोलियाँ का हम प्रदर्शन करते हैं। देखने वाले को एक अति उत्साह और उत्साह की अनुभूति, क्योंकि ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप मंदिर में जाते हैं और आपको एक वहाँ पे सुकून मिलता है, उसी तरीके से ये रंगावली देख के आपको जो सुकून मिलता है उसका कारण ये है कि ये जो रंगोली है इसको आप गालीचा रंगोली कहते हैं और जिसको एक पर्याय नाम है संस्कार भारती और मन की प्रकृति से निकलती है, बनती है। इसमें जो सारे चिन्ह हम यूज करते हैं, वो सारे चिन्ह जिसको नाम है बिंदु है, दंडिका है, केंद्रवर्धिनी है, गोपद्म है, ये साक्षात भगवान स्वरूप है। और ये रंगोली जो है वो इतनी खुद में पवित्रता रखते हैं कि अगर आप इसी किसी चीज़ के ऊपर, आप किसी मैदान में इसको निकालते हैं तो उस चीज़ की उसकी नेगेटिविटी है वो खुद ही कम हो जाती है और रंगोली जो है उस चीज़ की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। ये जो कण है जिसे हम अणुरेणु की थियरी कहते हैं, ये जो अणुरेणु है जो लाखों असंख्य है और जब एक मिलके एकजुट की भावना बना रखते हैं, ये अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं।